बताते हैं आज की ऑप्शंस रणनीति। नितिन बुरार का मेरे साथ जुड़े एसएमसी ग्लोबल से। नितिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर एक स्टॉक ऑप्शन बताएं जिस पे बेट किया जा सकता है टेक्निकल्स अभी के हिसाब से, ब्रेक्सिट फियर्स को आप छोड़ दें, अभी तक के हिसाब से कौन सा स्टॉक आपको बेहतर लग रहा है? मुझे बैंकिंग से आईसीआईसी बैंक में स्ट्रेंथ दिख रही है। इनफैक्ट आज मार्केट साइडवेज होने के बाद भी स्टॉक में आप पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जिसमें जिस तरीके से दो तीन दिनों में पोजीशंस बनी है आईसीआईसी बैंक में पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है। अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो बैंकिंग में सबसे ज्यादा आपको आईसीआईसी बैंक और उसके बाद यस बैंक, इन दोनों में पोजीशन बिल्डअप हुई है। बट यहाँ पे आईसीआईसी बैंक की कॉल 240 स्ट्राइक की कॉल जो करीब 7.20 रुपए के आसपास है, अच्छा ये एक बार इवेंट के पहले लेना चाहिए। इसमें आप 3.5 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रख लें। अगर अगेंस्ट मूवमेंट आती है तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रीमियम्स का नुकसान हो सकता है और वो करीब 3.5 से 3 रुपए तक नीचे आ सकती है। ठीक है, अगर फेवर में कुछ न्यूज आती है तो उस केस में आपको बैंकिंग में आईसीआईसी बैंक लीड कर सकता है और उसके कारण आपको करीब करीब 18-19 रुपए तक का भी टारगेट मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। कितना? 260-265 तक जाते देखते हैं क्या आईसीआईसी बैंक को? देखिए ये जरूर है कि इसमें 240-235 के रेंज में सपोर्ट काफी है और 3-4 दिनों में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहाँ पे हुआ है, तो सपोर्ट पे ओआई का बिल्डअप होना मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि अगर ये 242-243 क्रॉस करता है तो डेफिनेटली 255 रुपए तक जा सकता है। तो अगर 240 की कॉल लेंगे तो उसका भाव 18-20 रुपए हो सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया। 240 की कॉल खरीदने की सलाह एसएमसी ग्लोबल की, 7 रुपए मिल रही है, 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 12-15 रुपए इनफैक्ट 18 रुपए तक के टारगेट भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन सकता है अगर ब्री एग्जिट फियर्स रिसीड होते हैं और अगर फैसला ईयू ब्रिटेन के पक्ष में निकल के आता है तो। चलिए एक खास सेगमेंट आज व्यूअर्स के लिए हमने शुरू किया। इनफैक्ट आज से रोज बरोज आपसे कुछ ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जहां पर इंट्राडे मूव्स बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहे हैं, यहां पर जहां पर मिल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बाजार के बचे हुए भाग में। मिड डे टॉप ट्रेड्स लेकर दीपाली मेरे साथ जुड़ी हैं आज। दीपाली बताएं इस समय हलचल कौन से स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, वॉल्यूम एक्टिविटी और साथ साथ प्राइस, एफएनओ छोड़ दीजिए, मिड कैप कैटेगरी स्टॉक्स भी चलेंगे। शुक्रिया राजा। बिल्कुल, मिड मार्केट आज में जो स्टॉक सबसे ज्यादा एक्शन गेन कर रहे हैं उन्हीं को चुना है। 3 स्टॉक्स मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेकर आई हूँ फोकस ट्रेडर्स का मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पर ही है, तो उसी स्पेस से इन स्टॉक्स को चुना गया है। जो पहला स्टॉक है वो रहेगा टेक सॉल्यूशंस का, एकाएक अच्छे वॉल्यूम साथ अभी अभी स्टॉक में खरीदारी दिखनी शुरू हुई है और इम्पोर्टेंट ये है कि अभी महज 2.5% ही चला है लेकिन जिस तरह का वॉल्यूम लगातार स्टॉक में बढ़ रहा है यहां से और तेज होने की कोशिश कर सकता है। एक सडन स्पाइक इसमें अभी भी आया है और अगर आप इसके प्रीवियस 3 मंथ्स 4 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो अपने एक कंसिस्टेंट मूवर ये स्टॉक रहा है और 2016 के हाईस पर भी ट्रेड कर रहा है। चार्ट्स इनफैक्ट इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर भी है व्यूअर्स के, अभी कुछ देर पहले ही इसमें बाइंग आनी शुरू हुई है, 0.2% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है और अब यहां से और तेज होने की कोशिश कर सकता है। तो पहला स्टॉक है टेक सॉल्यूशन का, एक एक वॉल्यूम भी इसमें धीरे धीरे काफी तेज हो रहे हैं, 2% ऊपर। जैसे आप बोल रहे हैं अब 2% तेज हो चुका है, दिन के उच्चतम स्तर पे 173-174 के जोन तक पहुंचता हुआ नजर। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वॉल्यूम के साथ बाइंग, इसको अपने रडार पर रखें क्योंकि अभी भी चलना शुरू है और अब बचे कुछ घंटों में स्टॉक और एक्टिव हो सकता है। दूसरा स्टॉक बताएं दीपाली। रजत, दूसरा स्टॉक रहेगा यूनिकैम लैबोरेटरीज का। छोटे फार्मा स्टॉक्स में हम आज ही खरीदारी नहीं देख रहे हैं, अगर आप इस पूरे हफ्ते का ट्रेंड देखेंगे बहुत न्यूज फ्लो रहा भी है फार्मा स्पेस में, फिर चाहे वो एफडीआई का इनफ्लो क्यों ना हो, और छोटे और मझोले जो फार्मा स्टॉक्स हैं वहां पर लगातार ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स बेट कर रहे हैं। अब यूनिकैम लैबोरेटरीज स्क्रीन पर है व्यूअर्स की, 4% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर काफी स्ट्रांग हुआ है और अभी अभी एकाएक खरीदारी स्टॉक में इमर्ज हुई है और हमने देखा भी, अगर आप पास हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे यूनिकैम लैबोरेटरीज उस कैटेगरी का स्टॉक है जब ये चलना शुरू करता है तो 3-5-10-15% तक की भी उछाल ये लगा सकता है। अभी अभी एक्शन आना शुरू हुआ है, 4.25% ऊपर है लेकिन यहाँ से और तेज हो सकता है और इसके पीछे दो खास वजह है, एक तो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन ठीक ठाक लग रहा है, स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है जब चलता है तो एक साथ काफी स्ट्रांग मूव देता है और छोटे मझोले फार्मा शेयर्स एक्शन में है भी। राइट, तीसरा स्टॉक बताएं यूनिकैम, दिन के ऊपरी स्तर पे बहुत बेहतर 4.5% का रिटर्न दे चुका है। आखिरी स्टॉक, तीसरा स्टॉक लगेगा नेटको फार्मा का, फार्मा स्पेस से ही अगला स्टॉक चुना गया है क्योंकि यहाँ भी हमने देखा है एक आमतौर पर अगर आप इस स्टॉक की ट्रेडिंग एक्टिविटी देखेंगे तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते हैं लेकिन अभी 50,000 शेयरों का कामकाज हो चुका है और धीरे धीरे जो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है वो भी यहाँ पर काफी स्ट्रांग हो रहा है और मिड कैप मार्केट आज का जो मोमेंटम होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो स्टॉक सेकंड हाफ में चलना शुरू करते हैं वो टिल क्लोजिंग तक अपने मोमेंटम को सस्टेन करते हैं और यूनिकैम लैबोरेटरीज 6.5% ऊपर आ चुका है लेकिन यहाँ से और तेज हो सकता है। अगेन छोटे मझोले फार्मा शेयर्स एक्शन में है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन 6.5% की तेजी नेटको, यूनिकैम और साथ साथ टेक सॉल्यूशंस, 3 स्टॉक्स यहां पर जोरदार मोमेंटम आने वाले समय के लिए देखने को मिल सकता है। गौरव जी बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।